दिखा भाई इनको, बुला इधर। मैं किसी मिस्त्री के पास गया हुआ था, नेचर वाले मिस्त्री के पास गया हुआ था, तो उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज के तार गए हुए थे। तो मेरी मम्मी बोली तार मोई तार ऊपर, मैं से देखने लगा तो ओ बिजली ने मैं खींच लिया डेड को ऊपर से। ये सिर देखा नीचे न करके देख, ये निशान पड़ रहा है लड़के का, ये नीचा कर गर्दन थोड़ी सी, ये देख उतर जागे वो। ओए होए होए ये बंदी छोड़, ये तो एक महीने के बाद ये सती थी, दो उंगल पूरी आ जाए, इतना खड्डा था इस बच्चे कर पैर का अंगूठा देखो इसका है। अब तो ये बहुत ठीक हो गया ना, कति कंडेम होया पड़ा था उस दिन। अपुण्य आत्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तुम्हारा नाम ना ले वे कोई। परमात्मा कहते जब हमारे भक्ता पे आपत्ति आगी तो हमारा नाम कौन लेगा। इनकी पत्नी को प्रेतवादा थी और उन्होंने सारे जंतर मंतर करते रहे। मैं पढ़कर सुनाता हूँ, बाकी से इन्होंने लिख कर दिया है। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम निवासी गांव दनाणा जिला सोनीपत फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक का निवासी हूँ। सतगुरु जी के नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि बीमार ना रहता हूँ। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बाधा बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। इतना ज़्यादा कष्ट रहने पर के बावजूद हम देवी देवताओं को बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज़्यादा आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे, किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुरा के निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहाँ सोए पड़े हो। तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतने दे रखे हैं कि वहाँ के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफ़ी समझाया कि पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को बहुत प्रेत सता रहे थे, सतगुरु जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को, अभी पिछले महीने की बात है, 7 सितंबर मेरा लड़का मोहित उम्र 12 साल जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था, मिस्त्री के मकान के ऊपर 1100 वोल्ट की वोल्टेज की तार थे। लड़के का तारों के बीच में 1 फीट की दूरी थी। जब वह उनके नज़दीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया, लड़के के सिर पर तार गड़ गया। इसका निशान दिखाऊंगे आपको, ये भगवान है। तथा मुंह जड़ गया, बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़ कर निकल गई। उसमें मेरे लड़के को सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत ही चमकदार शरीर यानी तेजोमय शरीर सहित दिखाई दिए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर छज्जे पर लटा दिया। फिर लड़के की और सतगुरु जी की बात हुई तथा जब सतगुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा, गुरु जी कहाँ जा रहे हो, क्योंकि बेहोश था उस टाइम लड़का और आत्मा से बातें हो रही थी।
सतगुरु जी ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू घबरा मत। उसके बाद हम लड़के को हॉस्पिटल में ले गए, वहां पर भी लड़के को गुरु जी दिखाई दिए और मेरे लड़के ने कहा कि गुरु जी मेरे साथ हैं, तुम घबराओ मत। यदि आज हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का जिंदा नहीं होता और हमें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता। बोलो सतगुरुदेव की जय।